सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको इस तरह का सैड एस्थेटिक फोटो एडिटिंग कर सकते हो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के मदद से। और मैंने जब ये वाला फोटो अपलोड किया था तो आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि इसका ट्यूटोरियल चाहिए, इसके लिए मैं आज जो ये वाला वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो अगर आपको भी इस तरह का फोटो अपना खुद का एडिट करना है तो ये वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल के सर्च बार पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च आपको कर लेना है पिक्सल्स। तो मैंने यहाँ पे पिक्सल सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद आपको ये वाला जो पहला वेबसाइट है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरफ सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है इवनिंग स्काई। तो मैं यहाँ पे फटाफट से टाइप कर लेता हूँ। तो देख सकते हो इस तरह के काफ़ी सारे स्काई आपके सामने आ जाएंगे जो कि कॉपीराइटेड फ्री होगा। आप इसमें से कौन सा भी एक सिलेक्ट कर लेना और इसे डाउनलोड कर लेना। जैसे कि मुझे ये वाला फोटो अच्छा लग रहा है तो इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे फ्री डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड हो चुका है। इसमें यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो मैंने यहाँ पे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इस वाले बैकग्राउंड को ओपन कर लिया है। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे टूल्स पे जाके यहाँ पे एडजस्ट वाला ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे इसका जो आप जो चाहो एडजस्टमेंट कर सकते हो आपके फोटो के हिसाब से। जैसे कि मुझे यहाँ पे सैचुरेशन को डिक्रीज करना है तो डिक्रीज कर लेता हूँ। और ह्यू से आप अपने कलर को भी चेंज कर सकते हो स्काई का। तो इस तरह से आप अपने मर्जी से ये वाला स्टेप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत करके यहाँ से कर लेता हूँ डन। तो मैंने यहाँ पे इसे कर लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसे इंस्टाग्राम साइज में क्रॉप करेंगे। तो टूल्स पे जाके क्रॉप पे जाते हैं और इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट के साइज को सिलेक्ट करके डन कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे फोटो क्रॉप हो चुका है, देख सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे जाएंगे ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे और यहाँ से आपका अपना जो फोटो है उसे ऐड कर लेना है। और फोटो को जो है थोड़ा सा डार्क क्लिक करना, शाम के टाइम पे क्लिक करोगे तो डार्क आ जाएगा। और ये वाला फोटो का बैकग्राउंड मैंने एक एक क्लिक में रिमूव कर लिया था। अगर आपको भी सीखना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। और इसे कुछ इस तरह से अच्छे से एडजस्ट करने का यहाँ से कर देना डन। तो अभी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें अपना जो फोटो उसे ब्लर करना है, सिर्फ फोटो को ब्लर करना है, बैकग्राउंड को मत करना, क्योंकि हमें यहाँ पे इस तरह का कुछ लुक अप्लाई करना है कि ये फोटो का कॉन्सेप्ट ही हमारे टेक्स्ट पे होगा और यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उस पर होगा। तो इसके लिए सारा फोकस उस पर होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे फोटो को ब्लर करेंगे। तो फोटो को ब्लर करने के लिए हम यहाँ पे इफेक्ट्स वाला ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे जो ब्लर वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके फर्स्ट वाला ब्लर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। तो देख सकते हो ब्लर हो चुका है। फिर इसके ऊपर वापस से क्लिक करके जितना आपको ब्लर चाहिए उसे सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे 7 सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये जन के यहाँ पे जो इरेज वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर देना और फिर आपको यहाँ पे इन्वर्ट पर क्लिक कर देना है। रिस्टोर पर क्लिक करके हार्डनेस को रख लेना कुछ जितना, साइज अपने हिसाब से रख के जस्ट आपको अपने बॉडी के ऊपर इस तरह से अप्लाई करना है। बैकग्राउंड पे अप्लाई मत करना, सिर्फ अपने फोटो पे करना। तो मैं यहाँ पे इसे फटाफट से कर लेता हूँ। तब तक आप जो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मैंने यहाँ पे इसे अप्लाई कर लिया, यहाँ से कर लेता हूँ डन और यहाँ से भी डन। तो देख सकते हो अब सारा फोकस स्काई पे जा रहा है, हमारा फोटो यहाँ पे ब्लर हो चुका है। ये हो जाने के बाद आपको फिर से इफेक्ट्स वाला ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे जो इफेक्ट्स वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो आपको यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन मिल जाएगा नॉइस का, इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो इसके ऊपर क्लिक करने का देख सकते हो हमारे फोटो में ग्रेन्स आ चुके हैं जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका अमाउंट आप कितना भी रख सकते हो अपने फोटो के हिसाब से, जितना आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसे ज़्यादा नहीं रखूँगा, 28 के आसपास, जो काफ़ी लग रहा है। यहाँ से कर लेता हूँ डन। ये हो जाने के बाद आपको फिर से इफेक्ट्स पे जाना है और यहाँ पे जो फिल्म वाला ऑप्शन है फिल्म 3, इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ब्लर है हिसाब को रख लेना है 0 पे। नॉइस अपने हिसाब से आप रख सकते हो और फेड को भी अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं यहाँ पे फेड को रख लेता हूँ 70% के आसपास। तो देख सकते हो कितना कमाल के यहाँ पे HDR लुक आ चुका है हमारे फोटो में। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। और अगर आप इस फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हो तो सिंपली टूल्स पे जाके एडजस्ट पे जाना और सैचुरेशन को डिक्रीज कर देना। तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चाहिए। नेक्स्ट आपको टेक्स्ट को अप्लाई करने के लिए सिंपली टेक्स्ट वाला ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो यहाँ पे टाइप कर सकते हो। आपको काफ़ी सारे कोड्स यहाँ पे मिल जाएंगे यहाँ पे गूगल पे। मैं बस एग्जांपल के लिए यहाँ पे सैड एस्थेटिक कोड्स टाइप कर लेता हूँ। और जो भी चाहो यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना, साइज़ को छोटा कर देना और फिर यहाँ पे स्पेसिंग वाला ऑप्शन में जाके थोड़ा सा स्पेसिंग में ऐड कर सकते हो और थोड़ा सा और साइज़ को डिक्रीज करके मैं यहाँ से कर लेता हूँ डन। तो हमारा फोटो यहाँ पे फाइनल एडिट हो चुका है, देख सकते हो कितना ज़्यादा कमाल का लग रहा है। इसके दीवार आइकॉन पे क्लिक करके अपने फोटो गैलरी में सेव कर लेना। सो अब गाइस मैंने आपको काफ़ी इजीली इस तरह का फोटो कैसे एडिट करते हैं सिखा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और वीडियो देखने के लिए और इस वीडियो को भी लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक दे डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर।